Hello students, myself Kavita Bhatt. I am from English Teaching School. Today we will continue our exercise. We have completed our exercise till question 3. Now we will continue from question 4. Question 4, answer the following questions. Number 1, who gave Jack a magic bean? किसने जैक को मैजिक बीन दिया था? तो आंसर क्या आएगा? A wise man gave Jack a magic bean. A wise man ने जैक को मैजिक बीन दिया था. Number 2. Why did Jack's mother ask him to sell the cow? जैक की मदर ने उसको काउ सेल करने के लिए क्यों कहा था? आंसर. Jack's mother asked him to sell the cow to get money for buying food. Jack की मदर ने उसको काउ सेल करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि उसके बदले थोड़े से पैसे और खाना वो खरीद सके. What was the foolish thing that Jack did? Jack ने कौन सी foolish thing की थी? The foolish thing that Jack did was that he sold the cow for a small bean. Jack ने ये foolish thing की थी कि उसने काऊ के बदले एक छोटा सा मटर का दाना लेकर आया था. Question 4. What did Jack find when he climbed the beanstalk? Jack जब beanstalk पर चढ़ा तो उसने क्या देखा? Answer. Jack found a castle when he climbed the beanstalk. Jack जब beanstalk के ऊपर चढ़ा तो उसने एक कासल देखा. 5. What did Jack bring back from the giant's castle? Jack giant के कैसल से आया तो वो क्या लेकर आया? Answer. Jack brought gold coins, harp and a hen back from the giant's castle. जैक जब जायंट के कैसल से आया तब गोल्ड कॉइन, हार और एक हैन लेकर आया. नाउ लेट सी ग्रामर पोर्शन. नाउंस नेमिंग वर्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कॉमन एंड प्रॉपर. नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड के दो प्रकार होते हैं, कॉमन और प्रॉपर. कॉमन नाउंस आर कॉमन नेम गिव टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. कॉमन नाउन जिसके नेम कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग होते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, काउ, कॉटेज, ट्री, हाउस एंड सो ऑन आर ऑल कॉमन नाउन्स. बॉय, गर्ल, काउ, कॉटेज, ट्री, ये सब कॉमन नाउन्स है. इफ़ द कॉमन नाउन इज गिवन अ स्पेशल नेम देन इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. जब हम कॉमन नाउन को एक स्पेशल नेम देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है. एग्जांपल, जैक सेल्स हिज काउ. जैक नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, इसके लिए जैक का जे कैपिटल लिखा है और काउ है वो कॉमन नाउन है, इसके लिए इसके आगे का लेटर स्मॉल है. किटी प्लेस विथ द वुलन बॉल. किटी, ये किटी एक कैट का नेम है, इसलिए के कैपिटल है और वो बॉल के साथ खेल रही है. बॉल वो कॉमन नाउन है, इसलिए इसके आगे स्मॉल लेटर लिखा हुआ है. इन द फर्स्ट सेंटेंस जैक इज द नेम ऑफ अ बॉय. पहले सेंटेंस में जैक एक नेम है, एक बॉय का नेम है, सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इसलिए जैक प्रॉपर नाउन है. बट काउ इज अ कॉमन नाउन, लेकिन काउ कॉमन नाउन है. इन द सेकेंड सेंटेंस किटी इज द नेम ऑफ अ कैट. सेकेंड एग्जाम्पल में किटी एक कैट है और किटी को क्या कैट को क्या नाम दिया है? किटी. सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. तो ये किटी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. बट बॉल इज अ कॉमन नाउन, लेकिन बॉल कॉमन नाउन है. नाउ अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अंडरलाइन करनी है जो कॉमन नाउन है और सर्कल करने हैं जहाँ पर प्रॉपर नाउन है. 1.
आकाश लाइक टू रीड द बुक। आकाश ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी बॉय का नाम है, इसलिए इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। और बुक्स, बुक्स ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। नंबर टू, नीता लव्स एनिमल्स। नीता जो है वो एक गर्ल का नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। और एनिमल्स कॉमन नाउन है, इसलिए हमें इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। नंबर थ्री, लिटिल मरमेड स्वैम इन द सी। लिटिल मरमेड वो एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। और सी ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फोर, राजू लॉस्ट हिज पेंसिल। राजू एक बॉय का नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। और पेंसिल ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। फाइव, नयन गोज टू स्कूल बाय बस। नयन ये प्रॉपर नाउन है, ये एक बॉय का नाम है, इसलिए इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है हिंट, देर आर टू कॉमन नाउन्स हियर। यहाँ पर दो कॉमन नाउन्स है, क्या है? एक तो है स्कूल और दूसरा है बस। फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स इन द फॉलोइंग। वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एक वर्ड है जिनमें दो वर्ड है, वो हमें देखना है और एक हमारे लिए किया हुआ है, जैसे कि बटरफ्लाई। तो पहला क्या है यहाँ पर? बटर, और उसके बाद फ्लाई, तो ये दो वर्ड हुए। अब इसमें क्या है? लाइट हाउस, तो पहले में आएगा लाइट, दूसरे में आएगा हाउस। लाइट हाउस। तीसरा है रेनबो, तो यहाँ पर आएगा रेन, यहाँ पर आएगा रेन, और दूसरा वर्ड क्या है? बो। नंबर फोर, सनफ्लावर। इसमें है पहला है सन और दूसरा है फ्लावर। नंबर फाइव, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में पहला आएगा स्ट्रॉ और दूसरा आएगा बेरी। नंबर सिक्स, टूथब्रश। पहला आएगा टूथ और दूसरा आएगा ब्रश। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, अदर रिमेनिंग एक्सरसाइज वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।